रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ कहाँ पे हो। उन्होंने कहा कि हम सी चौक पे हैं। मैंने उन्हें एड्रेस दिया, सदर बाजार में जो गंगाराम हॉस्पिटल वाली गली है, वहाँ एक चाय की दुकान 13 साल पहले भी थी, वो आज भी है। चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे जीवन में नए मोड़ आते हैं, कैसे परमात्मा आपको कोई नई दिशा बता देता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नहीं लोगों, मैंने उस चाय की दुकान का एड्रेस आबुद्दीन जी को दिया। एक बार मेरे मन में आया, जाता नहीं। दूसरे अंदर से आवाज आई, ये चीज ठीक नहीं है। एक जो हरियाणा से चल के आया और मेरे से मिलना चाहता है, मुझे जाना चाहिए। मैं वहां गया, साधुदीन जी उस दिन अकेले नहीं थे, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, लेकिन वो चाय की दुकान के अंदर बैठे हुए थे। साधुदीन जी होशियार है, इसके पीछे मैसेज है, बहुत बड़ा इस बिजनेस के पीछे। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी पावर है, ये आपको स्किल को आपकी डुप्लीकेट कर देता है, ये आपके टाइम को डुप्लीकेट कर देता है, ये आपकी इनकम को बहुत बढ़ा देता है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। एक दिन एक सवाल मेरे से किसी व्यक्ति ने किया, एक व्यक्ति को छोड़ के क्या कर लोगे भारत सब। मैंने कहा साधुदीन जी ने मुझे अकेले को ही जोड़ा था, 7 करोड़ जा चुके हैं। अभी और कितने जाएंगे मुझे नहीं पता, ऊपर वाले को पता है। एक व्यक्ति से कहा क्या हो सकता है, आशिये में लोग जुड़ तो रहे हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़ रहे, किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, और आपका कितना नुकसान हो सकता है, ये आज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कई घटनाएं हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूं उन चीजों को। साधु जी होशियार थे, उन्हें पता था वो मेरी बात नहीं मान रहे, उन्होंने आदरणीय विजय विरोधिया साहब को चाय की दुकान के अंदर बैठाया हुआ था। मैसेज क्या है, अगर आप इस बिजनेस में पोटेंशियल के व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं और वो आपकी बात ना मानता हो, तो आप हर पार में अप्रोच कर लें। अब मैं वहां गया, चाय की दुकान के अंदर विरोधिया साहब बैठे हुए थे, और विरोधिया साहब मुश्किल से 1-2 मिनट हायर हुई, नमस्ते हुई, और उनसे रुका नहीं गया, और वो औकात पे आ गए। ऐसा ही होता है आशियन बिजनेस में, ऐसा ही होता है आशियन बिजनेस में। विरोधिया साहब को 1 मिनट रुके, औकात पे आ गए, और बहुत सारी बात आशियन बिजनेस के बारे में, आशियन ऐसा है, आशियन वैसा है, आशियन के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आशियन में इतने अच्छे लोग हैं, आशियन की कंपनी इतनी अच्छी है, आशियन की कंपनी को चलाने वाला आदमी इतना अच्छा। ढेर सारी बातें विरोधिया साहब ने 45-40 मिनट में मुझे बहुत सारी बातें बताई, और मेरी समझ में एक ही नहीं। मेरी समझ में